हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल परफेक्ट इंग्लिश में आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की फोर्थ क्लास है। स्टूडेंट्स, हम जानेंगे कि किस तरह से डिड का प्रयोग करते हैं। और लेट्स स्टार्ट नाउ। डिड, कोई बात पूछना। यदि हम कोई बात पास्ट में पूछते हैं तो किस तरह से पूछते हैं? डिड यूज होता है प्लस एक्शन यूज होता है। एग्जाम्पल, डिड यू कम यस्टरडे? क्या तुम कल आए? नेक्स्ट, डिड ही गो टू मार्केट यस्टरडे? क्या वह कल बाजार गया? नंबर थर्ड, डिड सी ड्रिंक द टी? क्या उसने चाय पी? डिड ही फ्लाई द काइट? क्या उसने पतंग उड़ाई? और इसका हम रिप्लाई कैसे करते हैं? कोई बात बताने के लिए आई यू सी ही प्लस एक्शन सेकंड, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। आई नंबर फर्स्ट, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया। नंबर सेकंड, ही वेंट टू मार्केट, वह बाजार गया। नंबर थर्ड, सी डिड नॉट ड्रिंक द टी, उसने चाय नहीं पी। ही डिड नॉट फ्लाई द काइट, उसने पतंग नहीं उड़ाई। स्टूडेंट्स, आर यू हियर? आर यू गेटिंग स्टूडेंट्स? नाउ देर आर सम प्रोवर्ब्स, कुछ कहावतें हैं, उन्हें देखेंगे। वेयर देर इज विल देर इज वे, जहाँ चाह होती है वहाँ राह होती है। एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसा काटोगे। इट टेक्स टू टू मेक ए क्वेरल, एक हाथ से ताली नहीं बजती है, इसके लिए दो लोग चाहिए। वन फ्लावर मेक नो गार्लैंड, एक फूल से माला नहीं बन सकती। और कन्वर्सेशन किस टाइप से करते हैं? आई हैव कन्वर्सेशन, डू यू हैव कन्वर्सेशन, आई डू नॉट हैव कन्वर्सेशन, बट सी हैज कन्वर्सेशन। वॉट अबाउट योर कार? जैसे वॉट अबाउट योर कार, बाइक, मोबाइल फोन। जैसे किसी के पास कोई गाड़ी से आता है रोज, बाइक से, या किसी के पास मोबाइल फोन होता है, तो इस तरह से अगर उसके पास वो फोन नहीं है या कार नहीं है तो हम उसे पूछ लेते हैं कि वॉट अबाउट योर कार, वॉट अबाउट योर स्माइल, जस्ट स्पीकिंग प्लांट वॉल्ट वॉल्ट वॉलेट, ये वॉलेट गलत हो गया। वॉलेट मिस होता है पर्स की। जैसे कोई उदास है या कोई बोल नहीं रहा है या कोई पेड़ हट गया है, कोई पेड़ है नहीं, हम वहाँ से गुजरते थे, अब नहीं है, तो हम पूछ लेते हैं, कह देते हैं कि वॉट अबाउट प्लांट, कि भैया पौधा कहाँ गया, वॉट अबाउट ट्री, पेड़ कहाँ गया। वॉट अबाउट योर फ्रेंड? जैसे कोई अपने मित्र के साथ आता है तो उसे कहते हैं कि तुम्हारा मित्र कहाँ गया। जस्ट, और जैसे किसी कॉल पर किसी को बुलाते हैं तो कहते हैं जस्ट फॉर ए मोमेंट, कृपया कुछ देर रुकिए, प्लीज होल्ड द लाइन, कृपया लाइन पर बने रहिए। आई नो, मैं जानता हूँ। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? आई डू नॉट नो, मैं नहीं जानता हूँ। प्रैक्टिस, कुछ प्रैक्टिस कर लेंगे।
इज एम आर प्लस आई एन जी जारी। यदि कोई काम जारी रहता है तो आई एन जी लगाते हैं। और 30 मिनट हुए हैं अभी खत्म हुए, तो हैज हैव का यूज करते हैं प्लस एक्शन थर्ड। और डू डज आई प्लस एक्शन बोलने का तरीका होता है ये, जिसे हम डेली यूज में प्रयोग करते हैं, डेली करते हैं कोई काम। इसमें यू प्लस एक्शन ये रोज के लिए होता है, सी ही प्लस एक्शन में सी टी बजाते हैं। और आज हमने क्या क्या किया है, डिड आई यू सी ही, इन सब के साथ में एक्शन की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। थैंक यू दोस्तों, आपने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी, इससे हमारी इंग्लिश इम्प्रूव हो सकती है। नेक्स्ट पार्ट, फिफ्थ पार्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू स्टूडेंट।